ऐसा कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। कुछ तेरे दिल में फिरती, कुछ मेरे दिल में फिरती, जमाना है बुरा। आज की भाषा में कहूँ तो वेलकम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जो रूहानी तस्कीन आपको यहाँ मिल रही है, आपने नाश्ता भी अच्छे से किया होगा, चाय वाय सब ठीक से पी है ना, क्योंकि मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के जरिए वो जानना चाहती हूँ कि कितनी एनर्जी आपने वापस रिस्टोर की है। क्योंकि कोई भी एहसास जब बयान होता है तो एनर्जी तो जाती है ना, तो तालियाँ जैसे जैसे पुरजोर होंगी हमें लगेगा कि नहीं बहुत एनर्जी है अभी। चलिए, सुर तैयार हैं, साज तो बेकरार है ही, और आज की दामिनी शब चंद लम्हे एहसासात के चौखट पर खामोश खड़े हैं, आइए उन्हें पुकारते हैं। संगीत रूहानी सुकून देता है और इस संगीत के ज़रिए आप सब तक अपना फ़न पहुंचाने का इरादा है हमारे आज के दोनों फ़नकारों का, सभी म्यूजिशियंस का और मेरा भी। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आज की शाम आपकी इतनी खूबसूरत बीते कि हर लम्हा आपके यादों के बगीचे की रूहानी राहों में सितारों की तरह चमकता रहे। ये शाम आपका हर पल खुशनुमा बना दे, जब यहाँ से लौटें तो हर लम्हे को एक याद के रूप में लेकर लौटें। पेश है गीता दत्त जी की नशीली और मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में कुछ गीत। उनकी आवाज़ मानो सूर्य की किरणों पर चढ़कर आकाश तक पहुँचती है और कभी कभी बारिश की बूंदें बन धरती में समा जाती है। कविता, एक परिंदा सुना रहा है गजल, चार छह पेड़ मिलकर सुनते हैं। जादू बलम तूने डारा
लो चले नाम लेकर तुम्हारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने डाला, हो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। Another one of my favorite numbers. बहुत ही खूबसूरत इसमें श्रृंगार रस जो है इतना खूबसूरत लिखा गया है ये गीत, और उस पर आई थिंक सोने पे सुहागा जो है, दैट्स मीना कुमारी, द ब्यूटिफुल मीना कुमारी। आई थिंक शी लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दिस मूवी। मैं बात कर रही हूँ फिल्म साहिब बीवी और गुलाम, एंड दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग वेयर शी इज़ द निगलेक्टेड वाइफ इन दिस मूवी, and she's portrayed it so beautifully. It's actually as if she's singing the song herself. Jab aap picturization dekhe to itna khoobsurat hai, so I hope you all like it, and I hope I render it as well, of course. All you lovely ladies there, come on. Pia e suji ami samai gayo ji ki mai tan man ki sud bujh gawa baithi, Pia e suji ami samai gayo ji ki mai tan man ki sud bujh gawa baithi, haje aahat pe samjhe wo aaye gayo ji, haje aahat pe samjhe wo aaye gayo ji, jhat ghoonghat mein mukhda chupa baithi, Pia e suji ami samai gayo ji। मैं तन मन के
सुबुद गवा बेची पिया है सो जिया में समाय गयो जे थैंक यू मीना जी का गीत कविता ने अभी पेश किया तो मीना जी जो अभिनय की पराकाष्ठा कहें या सहज सरल अभिव्यक्ति जिसे कहना जो जीती जागती किरदार बन जाया करती थी उनका एक शेर अर्ज करना चाहूंगी इजाजत है शुक्रिया कोई मेरी तरह संभाले दर्द तो जानू कोई मेरी तरह संभाले दर्द तो जानू एक बार तो एक दिल से हो के परवरदिगार गुजरे दोस्तों हम सुन रहे हैं आज गीता दत्त जी के गाए हुए कुछ नगमे जिसमें काफ़ी हाथ उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स का होता है जो उन नगमों को घड़ते हैं रचते हैं सजाते हैं संवारते हैं एस डी बर्मन साहब हेमंत कुमार साहब का गीत संगीतबद्ध किया हमने सुना और ओ पी नैयर साहब काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ गीता जी ने काम किया और ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव थे वो गीता जी की आवाज़ को छू भी नहीं पाए थे हर गीत उनके लिए महत्वपूर्ण होता था वो उसमें उतनी ही जान डाला करती थी उनकी आवाज़ के किरदार में कभी कोई कमी नहीं आई कहते हैं ना जिस तरह सूरज उगता है जब लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल रहता है उसी तरह अपने सफलता के दौर से आखिर तक उनके सुरों के अंदाज़ वही रहे और उन्हीं गीता जी की आवाज़ में कुछ और नगमे लेकर आ रहे हैं हमारे साथ कविता और फिर उनके साथ आएंगे चिराग पांचाल भी आपसे रूठे हुए हैं या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठी हुई है मैं एब्सोल्युटली थैंक यू ये आई थिंक सभी गाने आर सो ब्यूटीफुल दैट वी जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ देम इट्स लाइक दैट दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल चलिए दो गाने और चिराग आ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्यूएट फिल्म 12 o'clock एंड फिर एक बार रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाज One, two, three, one, two, three.
उधर तुम हसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। उधर तुम हसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूँ इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूँ इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सजा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सजा दे रही है कि खुद रात उधर तुम हसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्ता है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा।
तू लगती है तारों की परछाइयां, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां। तू लगती है तारों की परछाइयां, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां। महकने लगा मेरी ज़ुल्फ़ों में कोई, महकने लगा मेरी ज़ुल्फ़ों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की सुबह है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जमा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्ता है, बता रे मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। इतनी मीठी आवाज के बीच में मुझे सुनना न जाने कैसा लगता होगा। बहरहाल अब एक काम जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है वो है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जो पुराने गीत हैं उनमें हर इंस्ट्रूमेंट जो है, मुझे यकीन है आप मेरी बात मानेंगे और सहमत भी होंगे कि हमारे जो जितने गाने अभी हमने सुने हैं उसमें हर इंस्ट्रूमेंट जो है उसका एक किरदार होता है। वो गाने में सिर्फ एक पीछे बहुत सारा कुछ म्यूज़िक बज रहा है ऐसा नहीं, संगीतकार एक या तो इतने ज्ञानी थे या उन्हें हर इंस्ट्रूमेंट से इतना लगाव था कि वो उस गाने का कैरेक्टर बना दिया करते थे उस इंस्ट्रूमेंट को। तो बहरहाल भूमिका इस बात की थी कि मैं आपको परिचय करवाना चाहती हूँ हमारे जो इन खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स पर बैठे हुए हैं। अच्छा, शुक्रिया लाइट के लिए। चलिए शुरुआत करती हूँ। तबले पर हैं पंकज, ऑक्टोपैड पर संतोष पवार, कॉन्गो ढोलक पर हैं वासुदेव चौहान और फ्लूट पर है मोहित शास्त्री, जो आपके सामने देखिए स्टैंड अप स्टैंडर्डीज कर रहे हैं आप लोग इन्हें या क्या कर रहे हैं, ये उठते हैं बैठते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ तो इनके बगल में पड़ी है, इतना बड़ा बॉक्स है जिसे वो अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसमें अलग अलग तरह की बांसुरियाँ रखी हैं और जब जिस गाने में जिसकी भूमिका होती है वो उसे निकालते हैं और बजाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बजा रहे हैं मोहित आप। और अकॉर्डियन पर अब नंदू कुमार केलकर जी, आपकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो चार चांद लगा देता है हर गाने में। गिटार पर है प्रमोद काटकर, कीबोर्ड वन पर है आरती गोस्वामी द फीमेल, और कीबोर्ड दूसरे पर है किरण गायकवाड़, साउंड प्रदीप साउंड, उनका शुक्रगुजार हैं। और लाइट्स हैं भवतेश व्यास की ओर से, पब्लिसिटी दीपक सुमाया, और स्टेज गियर निवृत्ति का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, साथ ही शुक्रिया करते हैं, एहतराम करते हैं स्वतंत्र वीर स्मारक के पूरे स्टाफ का जिन्होंने इतना सरल, सहज और सरल बना देते हैं हमारे लिए यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम करना, हर चीज़ इतनी सुव्यवस्थित होती है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो चलिए अब इस खूबसूरत संगीत के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, मगर मैं अपनी बात कहकर जाऊंगी कि पलकें भी चमक उठती है सोते में हमारी, आँखों को भी ख्वाब छुपाने नहीं आते, और सपनों की एक नीली सी लकीर का तकाजा है कि वो हर कल्पना को धरती पर उतार कर तार लेना चाहती है और कहती है कि तुझे कोई अनमोल मोती मिलेगा, सीपियाँ तोड़ तोड़ कर देखता चल। आपका ये काम हमने आसान कर दिया है, मुझे यकीन है हर गाना ऐसा लग रहा है कि समंदर से तराशा हुआ मोती निकल रहा है। शुक्रिया। क्विकली लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ दैट वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द लवली म्यूजिशियंस, आई हैव टू से अ फ्यू थैंक यूज व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ईच वन ऑफ यू टुनाइट इज वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग इन सच लार्ज नंबर्स फॉर दिस कॉन्सर्ट, इट्स एन एफर्ट एंड आई होप यू लाइक द एफर्ट। Very quickly then, let me thank some of the people, and please don't mind me if I missed out anybody. Like I said, everybody is special. Many, many thanks to Kanu Bhai Shah. If you could have a round of applause for each one of these people and all of you. Kanu Bhai Shah, Kusum Maheshwari ji, Dr. Prakash Kothari, Rupen Pujara ji, Ishwar Gupta and Sandhya Gupta ji, Atul Mehta, Ajit Shah of Status, Ashok Bhai Shah, Harshad Dipti Ice Creams,
Shalini Sabut ji and each one of you in the audience. Thank you very much. Ek baar zordaar taaliyan apne aap ke liye ho jaye. Thank you. All right, now is the fun section. So all of you have to join in. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों की आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों की आंखों में And this is to the entire audience this evening. Thank you very much. This is how we'll sing. Thank you. आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि सर गया जी। अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि सर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। सच्ची
सच कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच सच कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं से मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं से मर गया जी, बड़ी शोखी, कितनी शोखी की अभिव्यक्ति जो है वो कितनी ओरिजिनली आ जाती है। आज जब कहना गलत होगा लेकिन कुछ सिंगर्स को जब देखते हैं कि वो अपनी आवाज़ में शोखी को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कशिश की कमी नज़र आती है, क्योंकि ये आवाज़ जिसमें शोखी जो नशीलापन इतनी आसानी से और सहजता से एक लहर की तरह बह निकलता था वो अब कहाँ मुमकिन है। गीता जी के बारे में जब पढ़ने की कोशिश कर रही थी तब कुछ पढ़ने को मिला तो मुझे लगा कि उसे एज इट इज आपको सुना दूं, आपको भी अच्छा लगेगा। गीता जी वॉज ब्लेस्ड विद अ रिच वॉइस दैट वॉज लाइक एन इंटरैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट
that at once mesmerized her listeners. She had such magic in her voice that charmed her listeners like a snake is charmed to the music of a bean. She rendered songs from her heart, making them so endearingly heart-rending. When she sang, Thandi Hawa Kali Hata, you can feel the cool breeze of an overcast day. When she sang, Koi Dur Se Awaaz De, you can sense the feelings of hauntingly disturbed soul celebrating the resplendence of life on one side and yet lamenting setbacks on the other. Aur jaisa maine pehle kaha tha, Subhash Keja has aptly put in, Geeta Dutt's voice conveys the sweetness of honey and the pain of the bee sting. Hamari Geeta tayyar hain? Aayye. Kyun taaliyan bahut kam baj rahi hain? Alright, a beautiful song, changing the mood a little bit. वो कम तालियां क्या मेरे लिए थी? मैं यहीं बैठी हूँ, सुन रही हूँ. No, not at all, not at all. I'm sure that's not the case. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरी दोस्त और जो आज के इस खूबसूरत शाम को इन्होंने इतनी खूबसूरती से बांधा है राजकुमारी जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Absolutely lovely. Thank you. मेरा हर लफ्ज आपके एहतराम में सर झुकाता है. शुक्रिया. थैंक यू. मैंने नहीं गाया, which I want to sing. It's such a beautiful piece, और आपकी आवाजों को सुनकर और you know, I thought I must take this antra. This is for myself. One, two, three, four.
कहते हैं पीर जब बेहिसाब होती है शायरी तब लाजवाब होती है। कभी कभी कुछ लम्हे कुछ बातें कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो ताउम्र हमारी तसव्वुर में चिरागों की तरह जलते रहते हैं और इसी तरह इकट्ठा होती है हमारे पास एहसास की दौलत। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है चाहे थोड़ी हो ये उम्र बहुत बड़ी होती है। और जब कभी भी आपको पेड़ पौधे मैं आपसे बता रही हूँ आजकल हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं वक्त नहीं है ऑफिस जा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग ऑफिस पहुँच चुका है कुछ काम करने जा रहे हैं हमारा दिमाग वहाँ पहुँच चुका है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग यहाँ आए हैं भागते वक्त की जेब से कुछ लम्हे चुरा कर इसलिए शुक्रिया अदा किया था आपका। तो वही कह रही हूँ कि जब आप आसपास कुछ पेड़ पौधों को सरसराते हुए देखें तो आपको यकीन मानिए महसूस कीजिएगा कि ऐसा लगेगा वो कोई गीत गुनगुना रहे हैं। तब समझ लीजिए कि जनाब खुदा किसी की मोहब्बत पर मुस्कुराया है और तमाम कायनात और आप भी उसके साथ हंस पड़िए मुस्कुरा दीजिए। ऐसे तमाम मोहब्बत करने वालों को और उसकी तारीफ करने वालों को राजकुमारी का सजदा। Keep up.
लिए अब वक्त है उस गीत का जिसका आपको इंतजार है। I'm not afraid.
थैंक यू. मैं ज़्यादा ऐसे गीत के बाद शब्दों का मौन हो जाना बेहतर होता है, पर इतना ही कहूँगी कि ये सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, ये सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है. म्यूजिक शुरू हो गया है. न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे. ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे. ये चांद होगा of Mumbai. It used to be Bombay in those days, but today Mumbai. So please join in, please enjoy this song. This is the finale of the evening, so we want all of you to sing with us this Bombay anthem, Mumbai anthem. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान. हो 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 ही हा हा. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान. कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल. कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल. इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के यह मुंबई मेरी जान. कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं पाका कहीं ठोकर कहीं ठेस. कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं पाका कहीं ठोकर कहीं ठेस. बेकारों के है कहीं काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह मुंबई मेरी जान. मुश्किल Oh,
पूरा दुनिया को ही कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। पूरा दुनिया को ही कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादा ये नहीं चलने की यहाँ, सुन मिस्टर सुन बंधु ये है बॉम्बे मेरी जाए, दिल है आपका दीना। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके यह मुंबई मेरी जान। दिल है आसा जीना यहाँ, सुन मित्र सुन बंधु यह बॉम्बे मेरी जान। जरा हटके जरा बचके यह मुंबई मेरी जान, सुन मित्र सुन बंधु यह बॉम्बे मेरी जान। थैंक यू, थैंक यू।
शुक्रिया करम मेहरबानी, आप सभी आए, आपने इतना एंजॉय किया, हमें यकीन है कि आपको बहुत खुशी हुई होगी। ये यादें बटोर कर लेकर जाइएगा। और हमारा क्या है, आप पूछेंगे कहाँ हैं, तो हम बस इतना ही कहेंगे, वहीं खड़े हैं जहाँ आपने कहा था, रुको अभी आते हैं। रात हो चुकी है, लौट के ध्यान से जाइएगा। शुभ रात्रि, खुदा आपका मुहाफिज रहे।